जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। रिकॉल कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, कहां से बोल रहे हैं आप? चलिए लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे छठ पर्व के चौथे दिन उषा अर्घ का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज छठ पर्व का चौथा दिन है और कोई भी साधना जब तक सही तरीके से पूर्ण ना की जाए तो साधना के पहले पूर्व के जो भी आपने तपस्या की है उसका प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं होता। तो आज छठ पर्व का चौथा दिन है जब आप अपनी साधना को परिपूर्ण करते हैं, उषा अर्घ के साथ आप अपने इस व्रत को इस वर्ष के लिए परिपूर्ण कर लेते हैं। किस प्रकार से करना चाहिए ये विधान, इसके पीछे क्या मान्यता है, आइए जानते हैं। कार्तिक मास के सप्तमी की तिथि में सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती वहीं फिर से एकत्रित हो जाते हैं जहां उन्होंने पिछली शाम को यानी कल संध्या के समय में जो सांध्य अर्घ दिया था वहीं पे फिर से एक बार एकत्रित होते हैं और जो प्रक्रिया उन्होंने कल ढलते हुए अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देकर के निभाई थी आज बिल्कुल वही प्रक्रिया उदीयमान सूर्य को अर्घ देकर के करते हैं। वहां पर वे लोग पिछले शाम की प्रक्रिया को पुनः दोहराते हैं। अंत में जिस व्यक्ति ने व्रत ले रखा हो वह कच्चे दूध का शरबत पी करके और थोड़ा सा प्रसाद खा करके अपने व्रत को पूर्ण करते हैं, व्रत का पारण करते हैं। छठ पर्व के पीछे पौराणिक और लोक कथाएं क्या जुड़ी हुई हैं, आइए जानते हैं। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली अनेक पौराणिक लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कई सारी कथाएं हमने आपको इन चार दिनों में सुनाई है, लेकिन ये बताना आपको यहाँ पर फिर आवश्यक है क्योंकि छठ से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हमारे धर्मशास्त्रों में मिलती हैं, अनेक अनेक समय पर कुछ ना कुछ कथाएं हुई हैं, तो एक ही दिन में सब बता देना संभव नहीं हो पाता। हमने कुछ कहानियां, कुछ महत्व आपको पुराने समय में 2-3 दिन पहले बताया, कुछ आज बताता हूँ। रामायण काल से जुड़ा हुआ भी एक प्रसंग हमें प्राप्त होता है। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद रामराज्य की स्थापना के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सूर्यदेव की आराधना करना निश्चित ही भगवान श्री राम के लिए आवश्यक था क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और जब भगवान श्री राम राजपाट ग्रहण करने जा रहे हैं, राज्याभिषेक होने जा रहा है, तो भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वह अपने कुल देवता को, अपने प्रधान देवता को कैसे भूल सकते हैं। तो इस कारण से ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में ये उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम और माता सीता ने भी दीपावली पर जब वह वापस आ गए अयोध्या में उसके बाद इस व्रत को किया और इस व्रत को पूर्ण करने के बाद राजपाट संभाला था। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से भगवान श्री राम ने आशीर्वाद प्राप्त किया था। दूसरा संदर्भ महाभारत काल का मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी।
सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा की थी। ऐसा कहते हैं आज भी ये जो जल में खड़े होकर के तपस्या करने का विधान है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिन्होंने संध्या अर्घ दिया षष्ठी की तिथि में, बहुत सारे लोग अपने घर वापस नहीं जाते, 12 घंटे तक सूर्यास्त के बाद से सूर्योदय तक वहीं जल में खड़े होकर के सूर्यदेव का ध्यान और नमन करते हैं और उनके उगने की प्रार्थना करते हैं, उनके उगने का इंतजार करते हैं। यह जो तपस्या की एक साधना की जो विधि है, ये जो हठ साधना है, देखिए छठ के बारे में हम लोगों ने बताया आपको कि ये षष्ठी तिथि का अपभ्रंश है, लेकिन छह और ठठ का अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो ये छह प्रकार के हठ को भी प्रदर्शित करता है, जिसमें जल ग्रहण ना करना, जिसमें अन्न ग्रहण ना करना और कठोर तप करना, जल में खड़े रह करके तप करना, ये सारी चीजें आती हैं। तो कहते हैं कि ये जो साधना का एक अंग है, जल में खड़े होकर के साधना करना, ये कर्ण देव भगवान जी से, कर्ण महोदय से ही ली गई थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे, वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बन पाए थे। आज भी छठ में अर्घ दान की यही पद्धति प्रचलित है। पुराण की एक और कथा के अनुसार, सतयुग की एक और कथा मिलती है, इसके अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई पुत्र संतान नहीं थी, उनकी 3 पुत्रियां थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए उनको एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई हुई खीर प्रसाद के स्वरूप में दी, जिस प्रसाद को ग्रहण करके उसके प्रभाव से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन जो पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर के शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। पुत्र के मृत शरीर को उन्होंने सीने से लगा करके बहुत विलाप किया। उसी समय भगवान की, ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना जो है, वह अपने रथ से, रथ पर विराजमान होकर के आकाश से उतरती हैं और उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा व्रत करो और अपने लोगों को भी तुम प्रेरित करो, अपने राज्य की जनता को भी प्रेरित करो, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के संतति की सुरक्षा का जो जिम्मा है, जो कार्यभार है, वह मेरा है। जितने भी संतान हैं, जो बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है। आप लोग मेरा व्रत करिए, मैं यदि प्रसन्न होती हूँ तो मैं आपकी पुत्र संतान की जो इच्छा है उसे पूरी कर सकती हूँ। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्होंने अपने राज्य में भी यह आज्ञा दे दी कि हर व्यक्ति को षष्ठी तिथि पर इस व्रत को करना है, कार्तिक मास की षष्ठी में, और इस व्रत के प्रभाव से, इसके पुण्य से, तेज से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को की गई थी। तो इस प्रकार से हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सारे ऐसे संदर्भ मिलते हैं, ऐसे विवरण मिलते हैं, जिससे आप इस व्रत के महात्म्य को, इसके तेज को समझ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूनम जुड़ गई हैं। पूनम, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। हाँ, हमने एक प्लॉट लिया था यहाँ कांसीपुर में जी, और उसको बेचने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो दिख नहीं पा रहा और अपना मकान कब तक होगा जी? बिल्कुल, आप वो प्लॉट किसके नाम पर है, मुझे उनका जन्म विवरण बताइए। मेरे ही नाम पर है, लेकिन जन्म तो नहीं पता, तिथि नहीं पता, लेकिन ये मालूम है बस दीपावली के दिन हुआ था जी। देखिए, सिर्फ इतना जानकारी होना ही परिपूर्ण नहीं होता है। ज्योतिष जो है वह काल गणना का विषय है, जब तक उसमें जन्म विवरण पूरा नहीं होगा कुछ भी फलादेश नहीं किया जा सकता। अभी वर्तमान के प्रश्न लग्न की जो स्थिति है, सूर्य की महादशा में राहु की अंतरदशा, ये किसी भी तरीके से आपके पक्ष में बनती दिखाई नहीं देती है, और ऐसा भी लगता है कि इस प्लॉट को बेचने में आपके साथ कहीं कुछ धोखा हो सकता है, या आपने जितने में खरीदा उससे कम दाम में आपको अपना ये प्लॉट बेचना पड़े। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। यदि आप अपने नुकसान की भरपाई चाहते हैं या नुकसान नहीं चाहते हैं, तो बहुत जल्दीबाजी मत करिएगा, बहुत अधीरता में, व्याकुलता में इसको बेचने का निर्णय मत करिएगा। और आज सप्तमी की तिथि है, हम लोग छठ पूजा की बात कर रहे हैं, प्रश्न लग्न में सूर्यदेव की महादशा आ रही है, तो आपको भी सुझाव यही दूंगा कि आप सूर्यदेव की साधना, आप और आपके परिवार में जो भी परिजन हैं, सब लोग मिलकर के रोज सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ दें, निश्चित ही आपका कल्याण होगा, आपके मन की जो इच्छा है वह परिपूर्ण होगी। एक कॉलर अब हरिद्वार से जुड़ गए हैं, कृष्णा जुड़ गए हैं। कृष्णा, अपना सवाल पूछिए। कृष्णा, अपना सवाल पूछिए।
चलिए लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।